हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेस चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देख सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ना है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन है। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, और बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। तो दोस्तों, याद रखना है एग्जाम में कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक सेम हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक अलग है, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक आपको क्या बताए थे? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम लोग छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुईस पाश्चर। चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्न। जीव विज्ञान यहाँ लोग जीवाणु विज्ञान बैक्टेरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टेरियोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। दोस्तों, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम यानी हमारे बॉडी के जो है इम्यून सिस्टम, उसी का अध्ययन करते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन के जनक कौन है? विलियम हार्वे। दोस्तों, यहाँ एक ध्यान रखने की चीज़ है, एक यह ब्लड सर्कुलेशन है, एक ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप के जनक अलग हैं, और रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के जनक अलग हैं। तो रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक कार्ल लैंडस्टीनर है, और ब्लड सर्कुलेशन के जनक विलियम हार्वे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी को साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के विज्ञान यानी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसका जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसका जनक कौन है? हग डी ब्रिज। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं या म्यूटेशन किसे कहते हैं, इसमें इसमें क्या होता है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन में अचानक चेंज आता है। आगे बढ़ते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक कौन है? एंटन डी बेरी।
पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? केरोलस लीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंड एस्टीनर। एक होते हैं ब्लड सर्कुलेशन, उसके जनक कौन बताए थे आप लोगों को? विलियम हार्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गी की अथवा वर्गी करण विज्ञान यानी कि टेक्सोनोमी के जनक कौन है? बताइए, केरोलस लीनियस। आपको याद रखना है, कल इसके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्राव विज्ञान इंडोक्रिनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांश की यानी जेनेटिक्स के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर पर अध्ययन किया था। आधुनिक अनुवांशिक की यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक टी एच मॉर्गन है। अगर सिर्फ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पूछे तो हमको मेंडल लगाना है, और आधुनिक अनुवांश की मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में पूछा जाए तो टी एच मॉर्गन लगाना है। इसको ध्यान में रखना है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, एक होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी और एक है इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में भी बताए थे, उसके जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी पूछे तो हमको विलियम अरे बीरबल साहनी को लगाना है। अनुवांशिकी अभियंत्रिकी यानी जेनेटिक्स इंजीनियर के जनक कौन है? पॉल वर्ग। शैवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? विलियम हेनरी हार्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान और भारतीय शैवाल विज्ञान दोनों हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फाइकोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान पूछा जाए तो विलियम हार्वे लगाना है, विलियम हेनरी हार्वे लगाना है। और भारतीय शैवाल विज्ञान पूछा जाए, इंडियन फाइकोलॉजी पूछा जाए, तो आपको MOP आयंगर लगाना है। उसको ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। और सिर्फ इकोलॉजी पूछे तो हम लगाएंगे अर्नेस्ट हेकेल, यहाँ पूछा है इंडियन इकोलॉजी तो हम लगाएंगे रामदेव मिश्रा। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी के जनक कौन है? लियोनार्ड दा विंची। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है? एंटोन ल्यूमेन हॉक। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपी से हम छोटे चीज को बड़े करके देखते हैं, जिससे हमको अध्ययन करने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के जनक कौन है? एडरसन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक कर दें। धन्यवाद।